नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएमटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गोंडा में लव सेक्स और धोखा का नतीजा कुछ ऐसा हुआ कि अवैध संबंधों के चक्कर में पति ने अपनी पत्नी की प्रेमिका का गला रित कर हत्या कर दी। दिनांक 9 फरवरी 2020 को हत्या के बाद पति ने पत्नी की प्रेमी के शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या में शामिल अभियुक्त को रातों रात गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मृतक के परिजनों को हत्या की सूचना दे दी है। प्रेम प्रसंग में अवैध संबंध रखने वाला कानपुर का निवासी भीम सिंह का गोंडा के थाना कटरा बाजार के रहने वाले मुकेश कोरी की पत्नी कंचन से अवैध संबंध था। मृतक अपनी प्रेमिका कंचन से मिलने कानपुर से गोंडा के कटरा बाजार आया था। जिस बात की भनक कंचन के पति मुकेश को हुई, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी के प्रेमी भीम को अपने साथ करनैलगंज के ग्राम रेउआ ले गया, जहां उसने उसे शराब पिलाई और उसकी चाकू से गला रेत कर हत्या करने के बाद उसके शव को कुएं में फेंक दिया। अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया कि कटरा बाजार के रहने वाले मुकेश कोरी की पत्नी का कानपुर के रहने वाले भीम सिंह से अवैध संबंध होने के नाते पति ने अपनी पत्नी की प्रेमी को अपने साथ ले गया, जहाँ करनैलगंज के रेउआ में उसने पत्नी के प्रेमी को शराब पिलाने के बाद चाकू से उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। अपनी बेटी के प्रेमी की हत्या की जानकारी पुलिस को पकड़े गए अभियुक्त की सास ने दी। पुलिस ने इस मामले में अभियुक्त को 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए अभियुक्त ने खुद को भी चाकू मार कर घायल कर लिया, जहाँ मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे ऐसा करने से रोक उसका मरहम पट्टी करवाई।